राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बुधवार से केडी की मौत के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए थे। इसे लेकर भाटी सोशल मीडिया पर हैशटैग जातिवादी रविंद्र सिंह भाटी के नाम से ट्रोलर्स का शिकार भी हुए। अब इस बीच रविंद्र सिंह भाटी के बाद कांग्रेस नेता भी ट्रोलर्स का शिकार होने से बच नहीं पाए हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल बैतू विधायक हरीश चौधरी भी ट्रोलर्स का निशाना बनने से बच नहीं पा रहे हैं। दोनों नेता एक ही मामले पर अपनी अपनी स्वजाति के लोगों के लिए न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरने के लिए सरकार के खिलाफ जाने से भी नहीं कतरा रहे हैं। अब विधायक हरीश चौधरी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, बाड़मेर में जेल में हुई कैदी की मौत के मामले में हमने इस प्रकरण की न्यायिक जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, परंतु बाड़मेर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के जातीय देश भावना पूर्वक जेलर और चिकित्सा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है। प्रशासन द्वारा पिछले कई समय से बिना जांच के लगातार जातीय दबाव के कार्मिकों के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। सरकार इस अन्यायपूर्ण फैसले को तुरंत रद्द करे, अन्यथा इस दमकारी निर्णय के विरुद्ध हमें जन आंदोलन करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि अचानक भाटी के बाद हरीश चौधरी क्यों ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। मामला तब बीते बुधवार सुबह बाड़मेर जिला जेल में हुई एक कैदी जयसिंह की मौत की जांच का, जिसमें बैतू विधायक ने राजस्थान सरकार से निष्पक्ष जांच के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। यह मांग उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को दोपहर करीब 1:30 बजे पोस्ट करके की थी, जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई होने के 48 घंटे बाद ही बैतू विधायक ने यू टर्न ले लिया था। उन्होंने 31 मई को अचानक से उनकी तरफ से दूसरी पोस्ट की। इस पोस्ट के बाद से वह सोशल मीडिया एक्स पर हैशटैग जातिवादी हरीश चौधरी से ट्रेंड करने लगे, क्योंकि 29 मई और 31 मई की पोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक में न्यायिक जांच की मांग की गई थी, जबकि दूसरे में उन्होंने जांच में आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, जो ट्रोलर्स की आंखों की किरकिरी बन गए। हरीश चौधरी ने राज्य सरकार पर जातीय देश भावना कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। विधायक ने केडी जयसिंह के लिए न्याय मांगने के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में जिन दोनों आरोपी जेलर और चिकित्सा के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे जातीय देश भावना पूर्वक की गई जांच माना है। साथ ही बैतू विधायक चौधरी ने भी सरकार पर आरोप लगाए कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के धरने और महापड़ाव की धमकी के बाद बिना जांच के कार्रवाई जल्दबाजी में की गई है, जिसके चलते उन्होंने इस जांच का विरोध करते हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि बाड़मेर जिले के सनाव गांव के रहने वाले कैदी जय सिंह का जो जमीनी विवाद को लेकर हत्या के आरोप में बाड़मेर जेल में सजा काट रहा था, बुधवार को जेल के बैरक में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इससे जेल स्टाफ में हड़कंप मच गया था। घटना से जेल में बंद अन्य कैदी भी दहशत में आ गए थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।